स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें आप। इसमें क्वेश्चन दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, मीन्स हम लोगों को एक फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसमें दो कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। बट यदि हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो फिर हमें इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, स्टूडेंट फर्स्ट वी लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। हमने सपोज किया फ्रैक्शन क्या है, एक्स बाई वाई। एक्स क्या है, न्यूमरेटर। वाई क्या है, डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, न्यूमरेटर में हमने क्या किया, 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब 1 ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये बना क्या इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड कंडीशन है, यदि हम लोग ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 1/2। सॉल्व कर दोगे 2x इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस 1, देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड बन गया। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इस फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो y का कोफिशियंट दोनों में सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और दोनों की साइन सेम है, y के कोफिशियंट में 1 माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है। तो हमने आपको बताया था जब दोनों वेरिएबल जिनके कोफिशियंट सेम होते हैं अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड वी गेट, स्टूडेंट वी राइट हियर इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कि साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हुआ, प्लस हो गया। अब देखो वाई और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। 2x से x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा, और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई 3, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 3। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट एक्स के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 3 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐड होगा तो क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3, वाई की वैल्यू कितनी मिली, 5, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5। स्टूडेंट नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें है, मीना वेंट टू ए बैंक विड्रा रुपी 2000। मीना बैंक से जाकर कितने रुपए निकालती है, 2000। और उसने कैशियर से बोला कि उसे 50 और 100 रुपए की नोट दी जाए। उसे कितने की नोट मिले, रुपीज 50 की और रुपीज 100 की नोट मिले। और मीना को कुल 25 नोट्स मिले
जिनमें रुपीज 50 के भी नोट हैं और रुपीज 100 के भी नोट हैं। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100। मीन्स इस क्वेश्चन में है क्या, कुल बैंक से कितना रुपया मिला उसे 2000, जिसमें नोट्स कितने के हैं रुपीज 50 के और रुपीज 100 के, जिनकी कुल संख्या कितनी है 25। हम लोगों को बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइंड करना है कि रुपीज 50 के कितने नोट हैं और रुपीज 100 के कितने नोट हैं। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट वी लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट बी एक्स एंड रुपीज 100 नोट बी वाई। हमने सपोज किया कि रुपीज एक्स की कुल कितनी नोट हैं एक्स, रुपीज 100 की कुल कितनी नोट हैं वाई। क्वेश्चन में ये दिया गया है कुल नोटों की संख्या कितनी है 25, यानी एक्स और वाई की कुल संख्या कितनी है 25। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 और टोटल वैल्यूज कितनी है रुपीज में 2000। एक्स नोट है कितनी रुपीज 50 की, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू एक्स। रुपीज 100 के वाई नोट्स हैं तो 100 इंटू वाई, और इनका एडिशन कितना आना चाहिए 2000। इसे 50 से आप डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है 50 से, तो मिलेगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब देखें ये आपका इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, एक्स का कोफिशियंट सेम है और एक्स की साइन भी सेम है, दोनों में पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो हम इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट पहले लिखेंगे, सॉरी पहले क्या लिखेंगे सेकंड लिखेंगे, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदल दो सबकी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा y, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 15। देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू 15। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, तो वी पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट x प्लस वाई है तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। हैंश नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 15। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन प्रॉब्लम्स से हमने दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, आज सेम आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन सॉल्यूशंस को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कॉल करके आप मुझसे उस समस्या का समाधान अवश्य कर लें। थैंक यू।